राज्य सरकार द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संपूर्ण राज्य में शनिवार रविवार को लॉकडाउन समेत कड़े निर्बंध लगाए गए हैं, जिसका नागपुर शहर में भी सख्ती से पालन किया जाएगा, ऐसी जानकारी मनपा आयुक्त राधाकृष्णन भी ने दी। इस दौरान उन्होंने जनता से सभी नियमों का पालन करने का आह्वान भी किया है। साथ ही उन्होंने नागरिकों के बीच फैल रहे संभ्रम का भी निवारण किया और कहा कि सोमवार रात 8 बजे से 30 अप्रैल तक अति आवश्यक चीजों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेगी। कल का गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो गाइडलाइंस आया अपना रिस्ट्रिक्शन के, अप्रैल 30 तारीख तक का रिस्ट्रिक्शन के बारे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं, सबको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अभी अपना नागपुर शहर में अप्रैल 30 तारीख तक जो गवर्नमेंट का डायरेक्शन है, कल का 4 अप्रैल का डायरेक्शन है, ये पूर्णपणे अपना शहर में हर तरतूद इधर लागू करेंगे। उस पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो सब शॉप्स, मार्केट्स, मॉल, ये सब बंद रहेंगी। उस पर सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटीज़ है, एसेंशियल के संदर्भ से दुकान है उतना ही वो चालू रहेगा। एसेंशियल्स सर्विसेज क्या है उसको भी इसके डिटेल में दिया हुआ है। इसके अलावा जो कुछ उस पर लिखा हुआ है स्कूल के बारे, आउटडोर एक्टिविटी के बारे, सर्व चीज़ इस पर 100% इसके बारे अमल बजावनी अपने शहर में होगा। मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है सब नागरिकों को, जैसे अपने शहर में जैसे कोरोना का नंबर बढ़ते जा रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए जो शासन ने जो दिया हुआ वो ये पूरा डायरेक्शंस को हम सब अपने खुद का जवाबदार करके फॉलो करना चाहिए। हम सब मिलके इस लड़ाई में भाग लेना चाहिए, फिर हम इसके जरूर यस मिलेंगे।